वो भाई आ रहे हैं और यहाँ पे पानी बड़ा हुआ आज थोड़ा, तो उनकी हेल्प भी करते हैं और उनको यहाँ से पार कराते हैं। हेलो मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रोहित रावत और पहाड़ी भाई यूट्यूब चैनल में करता हूँ मैं आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और आज का ब्लॉग हम शाम के टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं और अकेले आए थे अभी चक्की में और दुकान में कोई है नहीं, अकेले अभी उनके घर में गया है। वो चला गया चोर चोरी करने। वो देखो सामने से पीली पीली वैन आ रही ना, उसकी स्पीड देखो तुम, बड़ी खतरनाक आ रही है वो, एकदम लहरा रही है वो। ले देखो बाइक वाला भी उससे आगे, लेकिन वो ऐसे जा रहा है ना कछुए की चाल। देखो पहली बार में हम गए थे तो ये अकेले ने दरवाजा नहीं खटखटाया था और बाहर से आवाज़ दे रहा था, तो शायद वो सो रखे होंगे। आ चुके हैं इन हरे भरे पेड़ों के बीच इस ठंडे और सुहाने से मौसम के समय पे। और ये देखो अगर ये पुल बन गया तो हरिद्वार आप शॉर्ट जा सकते हैं कोटद्वार से कम समय में। ये पुल बस अभी काम चल रहा है इस पर और ये बन जाएगा तो ऊपर ही है कर्ण आश्रम यहीं पे आगे, और यहाँ से हम चलेंगे नदी की तरफ। चल, यहाँ का जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मस्त, हरे भरे पेड़ उधर के लिए देखो काफ़ी मस्त लग रहा है। और इधर ये पुल भी बन रहा है सामने, बस बनने वाला है, कुछ टाइम बाद बनी जाएगा, कुछ महीनों बाद। कितने साल लगे इसको बनने में, कब से बन रहा है पता है तेरे को? दो। यहाँ पे पानी, लेकिन पानी बहुत गंदा है यार, मिट्टी मिट्टी वाला पानी आ रहा है ऊपर से। जब बारिश आती है ना इधर बहुत भयंकर हो आता है, पानी का सैलाब आता है इधर से और एक बाढ़ टाइप की आती है, बहुत पानी बढ़ जाता है इधर। इधर पैर रखते रखते फिसलने का डर हो रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये रास्ता है कर्णाश्रम का, तो जब भी आप आओगे कोटद्वार और कर्णाश्रम जाना चाहते हो तो आपको यहाँ से और ये पानी इधर से पार करना पड़ेगा आराम से रे। दो चार भाई लोग वहाँ भी घूम रहे हैं, वहाँ भी मस्ती कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं और उसको पार कर रहे हैं उस तरफ। नज़ारा तो इधर काफ़ी मस्त है, देखो इधर के लिए हर तरफ चारों तरफ नज़ारा काफ़ी मस्त है। और अभी यहाँ पे एक बाइक आ रही है, देखते हैं बाइक कैसे पार करते हैं, वो कर्णाश्रम से आ रहा है, तो आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे पार। आज तो बारिश भी हो रखी है तो पानी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो देखते हैं भाई कैसे आते हैं। वो भाई आ रहे हैं और यहाँ पे पानी बड़ा हुआ आज थोड़ा, तो उनकी हेल्प भी करते हैं और उनको यहाँ से पार कराते हैं। दो जने हैं और शायद इधर से आ जाएगी, उधर से उधर के लिए, वहाँ जो दिख रहा है ना वहाँ पे कम है पानी और सीध भी है वहाँ पे, वहाँ पे कोई बड़ा पत्थर नहीं है बीच में। तो भाई लोगों ने सही डिसीजन लिया है और इसको पार कराना है यहाँ से। हाँ हाँ ऐसे निकल जाएगी वैसे, आप इधर से आओ, पीछे इधर से लगाओ इस तरफ से। फाइनली भाई लोगों की हेल्प हो गई, वो चले ही गए वहाँ पार, उनको बताया कि आप उतर के ही करो तो उतर के उन्होंने पार कर ली। तू कहाँ गया इधर, तू कहाँ पर से गया, पहुँच गया तू, मैं कैसे आऊँगा ऊपर से, गहरा है यार उधर, मैं नीचे से आ रहा। गंदगी वगैरह का पानी नहीं है, खाली ये मिट्टी का पानी है तो इसलिए वैसा हो रखा है। अरे उधर से आने था ना, मैं यहीं पता किया और ये कपड़े भीग गए आपके। कर दिया भाई पार, अब थोड़ा जंगल में जा रहे हैं, अब जाते समय आएगी दिक्कत, ऐसा ना कि बारिश आ जाए फिर और तेज आ जाए फिर हम पार ना कर पाए। तो पार कर दिया अखिल ने, तो आसानी से पार कर दिया था, मुझे तो डर लग रहा था कहीं पे गहरा होगा फिसल जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वाह यार गजब मस्त सीन है यार इधर तो, भाई पहली बार आ रहा हूँ, काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ, काफ़ी मस्त लग रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू है। और अखिल बोल रहा है यहाँ हाथी आते हैं, बाघ, बहुत से जानवर आते हैं इधर पता, तो हमें बच बच के थोड़ा सा हम आगे के लिए जाएंगे बस, नहीं शाम थोड़ा सा ही जाएंगे। टाइम क्या आते हैं शाम को इस टाइम के,
अभी अभी हमारे पीछे कुछ नहीं पड़ा। हम यहाँ पे एक नदी सी है, यहाँ पे मच्छी आती है, अखिल बोल रहा। और यहाँ पे भी कुछ पानी बह रहा है, छोटा सा है यहाँ पे। ये हमारे गांव की रोल की तरह है, जो गधेरे होते हैं उधर की तरह। क्या आएगी मछलियाँ होगी? मैं तो यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ इस पुल के ऊपर, और अखिल बता रहा है यहाँ पे शाम के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है, और शाम के टाइम पे इधर जानवर वगैरह भी रहते हैं। मतलब जैसे रात होने वाले रहते हैं तो जंगली जानवर भी आ जाते हैं इधर, क्योंकि ये घना जंगल है ना, ये पूरा ही घना जंगल है। यहाँ से नीचे घराट तक के लिए बहुत घना जंगल है। अभी यहाँ पे साइकिल बाइक लोग आते जा रहे हैं, दिख रहा है। मतलब कि अभी एक बाइक भी गई जिनको हमने पार कराया था, और अभी एक साइकिल भी गई थी। हमें यहाँ पे हाथी तो अभी दिखे नहीं, लेकिन हाथी की टट्टी ज़रूर दिख गई है। एक गोबर देखो तो टट्टी तो है वो। देखो वहाँ से भी एक बाइक आ रही है, लोग आते जाते रहते हैं इधर। एग्जैक्टली मेरे को भी पता नहीं है कि यहाँ से कर्णाश्रम कितना है, शायद 2-3 किलोमीटर आसपास है ऐसे। और अभी मैं और अखिल वापस चल रहे हैं। पिक्चर वगैरह अगर कोई सॉन्ग वीडियो वगैरह अगर शूट करनी हो तो ये लोकेशन भी काफ़ी मस्त है, ड्रोन शॉट काफ़ी मस्त आएंगे इधर। और जैसे हम आए थे वैसे हम वापस चल दिए हैं, क्योंकि बारिश ना आ जाए बहुत तेज़ी से आज, क्योंकि बारिश का कोई पता नहीं चल रहा है, हर आधे घंटे में तेज़ी से आ जा रही है फिर बंद हो जाए। और ये जो छोटे वाली नदी थी, कहीं ना कहीं इसको देख के गांव की याद जरूर आई यार। हम भी गर्मियों के टाइम पे, आजकल बरसात के टाइम पे भी नदियों में डुबकी लगाने के लिए जाते थे, बारिश में भी हम नहाते रहते थे नदी में। आप लोगों को पता ही होगा, कुछ लोग हैं मेरे दोस्त जो इस ब्लॉग को देखेंगे उनको पता होगा, उनको याद भी होगा जो मेरे गाँव के होंगे। और यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हम स्विमिंग पूल जा रहे हैं, गाँव में नदी में जाते थे और यहाँ स्विमिंग पूल, यहाँ 70 रुपये चार्ज और वहाँ एकदम फ्री। तो ये है कुछ एडवांटेज गांव के भाई। जैसे हमारे पैर का कलर है वैसे ही पानी का भी कलर है। अब इस पे ये गिर गया था भाई। इस पे भाई को मैं काफी देर से देख रहा हूँ। मच्छी पकड़ रहे क्या? आ रही है? कहाँ है पकड़ी भाई? यहाँ पे काफी देर से बैठे हुए थे, मैंने देखा तो मैंने पूछ लिया। अच्छा लग रहा हो ना यहाँ बैठ के ना, ठंडा मस्त। इस फ्रिज की बोतल में रखी है भाई ने 2-3 मछली, लेकिन कलर ही वैसा है तो उसमें मछली दिख नहीं रही है, कांटा लगा है। और जिनको हम गड़ियाल नहीं बोलते, गड़ियाल वो हरे। अरे यार एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हें मच्छी पकड़ने का, तो क्या लगा है कांटे पे? केंचुआ? अंकल जी भी आए हैं साइकिल के लिए, मतलब साइकिल लेके जा रहे हो घूमने के लिए। देखो घूमने के लिए जा रहे हैं ऊपर, और वो भी पार कर जाएंगे, साइकिल तो हाथ पे पकड़ के चले जाएगी। साइकिल से चल दिए ऊपर, ये देखो पकड़ दी भाई ने, ये देखो उधर देखो अंकल ने साइकिल पार कर रही, उधर से दो लोग भी आ रहे हैं, मतलब आ रहे जा रहे हैं लोग यार इधर। तो अब हम यहाँ से चलने वाले हैं, हल्की हल्की बारिश आ गई, मतलब कि जरा बुबरान लग गया, छीटा पौन बढ़ गई। हम क्यों लगाएंगे कांटे, दिन भर वहाँ 4-5 मछली आएगी बस। छोटा सा स्विमिंग पूल, सिद्ध बाबा सच में? अखिल बता रहा है उधर भी एक मंदिर है क्या कहीं? तो अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, स्कूटी में बैठेंगे चलेंगे, और 7:30 बजे बोला है आंटी ने कि आप अपना कट्टा लेने आ जाना। अभी घर आए और इस ठंडे से मौसम में चाय का मजा लेते हैं। और चाय किसने बनाई? यहाँ से चाची ने बनाई चाय। वहाँ से कर्णाश्रम वाले रास्ते से हम आ गए थे करीब 5:30 बजे, उसके बाद घर आए, और उसके बाद से बारिश लगी हुई थी, और बाहर हमने कूलर भी सेट किया, उस पर हवा नहीं आ रही थी, बारिश में भीग गया आज तो। और आटा लेने भी नहीं गए इस चक्कर में, क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही थी, और अभी शाम के टाइम हो गए, 8 बज गए। और आज भी देखो यहाँ पे आज और अखिल पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग बस ऐसे होने वाला था, उस रास्ते गए हम और उधर नदी भी दिखाई आप लोगों को। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।